नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। हिंदू धर्म में गरबा खेलने को देवी की उपासना मानते हैं। यह गरबा छोटे छोटे डंडे और तालियां बजाकर खेला जाता है। ऐसा माना जाता है कि गरबा नृत्य देवी माँ को बहुत प्रिय है, जिसमें महिलाएं और पुरुष एक समूह बनाकर खेल खेलते हैं। गरबा खेलते समय मात्र शक्ति से संबंधित गीत भी गाए जाते हैं। गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसके बाद यह राजस्थान और देश के बाकी हिस्सों में फैला। नवरात्र के पहले दिन मिट्टी के घड़े में छेद किए जाते हैं। इसमें दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा इसमें चांदी का सिक्का डाला जाता है। इसे दीप गर्भ भी कहते हैं। सतना में गरबा की शुरुआत गुजराती समाज ने की। जो गुजराती गुजरात प्रांत से आकर सतना में बसे, उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की। आज भी इस परंपरा का गुजराती समाज स्वस्थ तरीके से निर्वहन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के गरबा में फिल्मी धुनों पर गुस्ताख सीटियां बजती हैं, लेकिन सतना में जो गरबा गुजराती समाज आयोजित करता है, उसमें ऐसा लगता है कि संस्कार की सुगंध फैल रही है। इसके अलावा जितने भी गरबा आयोजित किए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं व्यावसायिकता दिखती है। और जब भी कोई काम मुनाफे के लिए किया जाता है, तो प्रायः वहां पर संस्कार और संस्कृत को एक किनारे रख सिर्फ मुनाफे की कल्पना की जाती है। जिस तरीके से गरबा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, उस तरीके से गरबा की पवित्रता में भी कमी आई है। देश के अंदर ऐसे भी गानों पर गरबा नृत्य हुआ जिसे कहीं से भी संस्कारित तो नहीं कहा जा सकता। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गीत के बोल फूहड़ थे। उस गीत का नाम इसलिए नहीं रहे कि किसी भी धर्म संप्रदाय को इससे ठेस पहुंच सकती है, लेकिन गीत के बोल फूहड़ थे। गरबा की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी है कि अधिकांश मोहल्लों में भी अब गरबा नृत्य होने लगा है। लेकिन गरबा नृत्य करने वाले न गरबा के बारे में जानते हैं, न गरबा की पवित्रता जानते हैं। उन्हें तो सिर्फ अपनी मस्ती से मतलब है। आधुनिकता की इस चकाचौंध में जिस तरीके से संस्कृत और संस्कारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। व्यावसायिकता की इस अंधी दौड़ में हम जिस तरीके से गिरते जा रहे हैं, या हमारा जिस तरीके से सामाजिक और नैतिक पतन शुरू हुआ है, उसे अगर समय रहते नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम भोगने होंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि जब गरबा धार्मिक आयोजन है, तो इस आयोजन में धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता। अधिकांशतया गरबा आयोजित करने वाले लोग नेताओं और अधिकारियों की जूतियां चमकाने में लगे रहते हैं। गरबा धार्मिक आयोजन है तो कम से कम इस धार्मिक आयोजन के महत्व को बरकरार रखना चाहिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि हमारी खबर अच्छी लगती है तो विशाल खबर सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें।